Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 6 integers exercise 6.2 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge addition of integers. Integers ko hum log add kaise karte hain uske bare mein aaj hum log padhenge. Aaiye, addition of integers mein pehla cheez jo hum log padhenge वो है उसका कुछ कॉन्सेप्ट्स. देखिए, अगर हमको दो नंबर दिया हुआ है जैसे कि 2 और 4, तो हमको पता है कि इसको ऐड कैसे करना है. 2 प्लस 4 यानी कि ये आता है कितना, 6. बहुत ही आसान था. लेकिन अगर इसी नंबर में से यहां पे अगर एक नंबर माइनस में हो जाए, यानी कि ये हो जाए मेरा -2 और ये हो जाए मेरा +4, तो आंसर क्या आएगा. ठीक है, तो देखिए इस केस में यहां पे पहला इंटीजर और ये दूसरा इंटीजर. ओके, इंटीजर 1 और इंटीजर 2. पहला इंटीजर का साइन अगर प्लस होगा और दूसरा इंटीजर का साइन अगर प्लस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, और मेरा साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा. देखिए यहां पे सबसे पहले ये है मेरा पहला इंटीजर और ये है मेरा दूसरा इंटीजर. तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये कहता है प्लस और प्लस दोनों ही इंटीजर मेरा प्लस होगा. देखिए ये भी +2 है और ये भी +4 है, तो दोनों इंटीजर का साइन क्या हुआ, प्लस और प्लस हुआ. तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, हम लोग करेंगे प्लस और मेरा साइन क्या आएगा, प्लस. देखिए तो पहले हम लोग इसको साइन यहां पे लिख लेते हैं. ये हो गया मेरा प्लस का साइन, ये जो कहता है. ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, प्लस. देखिए 2 प्लस 4 क्या होता है, 6. तो मेरा आंसर आ गया 6. ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल. ये कहता है पहला इंटीजर जो होगा वो प्लस में होगा और दूसरा इंटीजर जो होगा वो माइनस में होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. यहां पे मेरा पहला जो इंटीजर है वो है प्लस में और दूसरा जो इंटीजर है उसको हम लोग कर देते हैं माइनस में. तो कैसे मेरा आंसर चेंज होगा यहां पे, देखिए. तो यहां पर क्या कहता है, जब एक इंटीजर मेरा प्लस में होगा और दूसरा इंटीजर मेरा माइनस में होगा, तो मेरा साइन कौन सा आएगा. देखिए साइन ऑफ लार्जर इंटीजर. ठीक है, तो यहां पे 2 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, यहां पे 2 और 4 में बड़ा है 4, तो 4 का साइन क्या है, माइनस. ये मेरा साइन हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, यहां पे हम लोग करेंगे माइनस. तो माइनस हम लोग कैसे करते हैं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को हम लोग माइनस करते हैं, है ना. तो वैसे यहां बड़ा नंबर कौन सा है, 4, और छोटा नंबर कौन सा है, 2. तो 4 -2 क्या होगा, 4 -2 2 होता है. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, -2. तो अगर दो इंटीजर में से एक इंटीजर मेरा प्लस में होगा और दूसरा इंटीजर मेरा माइनस में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे. और मेरा साइन कौन सा आएगा, जो भी नंबर मेरा बड़ा होगा उस बड़ा नंबर का जो साइन होगा वही साइन मेरा आंसर में भी आएगा. ठीक है, बहुत ही आसान है. आइए नंबर जो थर्ड है उसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं. ठीक है, नंबर 3 बोलता है यहां पर कि पहला जो इंटीजर है वो हो जाएगा मेरा माइनस और दूसरा जो इंटीजर है वो हो जाएगा मेरा प्लस. यहां पे देखिए पहला इंटीजर है ये मेरा हो गया माइनस और दूसरा इंटीजर हो गया मेरा प्लस. देखिए तो यहां पे 4 बड़ा है और 2 छोटा है. ठीक है, तो अगर 4 बड़ा है तो 4 का साइन क्या है, प्लस का. तो यहां पे मेरा क्या आएगा, प्लस आ गया, प्लस. अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग करेंगे माइनस. तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4, छोटा नंबर कौन सा है, 2. तो 4 -2 क्या होता है, 2. देखिए मेरा 2 आ गया. ठीक है, 4 -2 किए तो 2 आ गया और मेरा बड़ा नंबर का साइन क्या था, प्लस. तो देखिए प्लस आ गया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, +2. साइन ऑफ द लार्जर इंटीजर मेरा आंसर में आएगा. ठीक है, बहुत ही आसान है. अब देखिए हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4. ये पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए. पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर
मेरा दोनों इंटीजर यानी कि फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर दोनों इंटीजर का साइन मेरा माइनस और माइनस हो, देखिए ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, दोनों इंटीजर का साइन अगर माइनस और माइनस हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, उस दो नंबर को हम लोग प्लस करेंगे और मेरा साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां साइन लिख लेते हैं माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो मेरा साइन आ गया माइनस। अब हम लोग करेंगे क्या, करेंगे हम लोग प्लस, तो प्लस क्या करेंगे, 4 प्लस 2 क्या होता है 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया माइनस 6। बहुत ही आसान है, बस हमको ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है, इसको अच्छे से हमको याद रखना है, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस प्लस होगा तो प्लस करेंगे साइन आएगा प्लस, प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे साइन आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उस नंबर का मेरा साइन आंसर में आएगा। वैसे ही माइनस प्लस होगा तो क्या करेंगे, करेंगे हम लोग माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर का साइन आएगा। तो 4 नंबर जो है माइनस माइनस, उसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस में हम लोग करेंगे प्लस और साइन मेरा माइनस का आएगा। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन, देखिए ये, देखिए ये है ट्राई दीज, इसका जो पहला क्वेश्चन है ए, ये बोलता है फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस, इसको ऐड कीजिए और आंसर बताइए। देखिए माइनस 11 प्लस माइनस 12, यहाँ पे माइनस 11 प्लस माइनस 12, ठीक है, तो हम लोग इस प्लस और इस माइनस को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये है मेरा प्लस और ये है मेरा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, देखिए प्लस माइनस में क्या आता है माइनस, तो वैसे ही प्लस माइनस में आ गया माइनस। अब ये क्या नंबर है 12, तो ये 12 मेरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 11 माइनस 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस में क्या होता है प्लस और साइन क्या आता है माइनस का, तो मेरा साइन सबसे पहले माइनस का आ गया और प्लस कर लिए 12 प्लस 11 क्या आता है 23, तो मेरा आंसर आ गया माइनस 23। बहुत ही आसान है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये याद रखिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए नंबर बी देखते हैं, ये कहता है प्लस 10 प्लस 4, तो प्लस प्लस क्या होता है मेरा प्लस, देखिए ये मेरा प्लस 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 होता है, इसलिए देखिए प्लस 10 और प्लस 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 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, तो प्लस 10 प्लस 4 क्या होगा, देखिए प्लस और प्लस दोनों होगा तो क्या होगा, ये होगा मेरा प्लस और साइन भी आएगा प्लस का, देखिए प्लस 14 हो गया। वैसे ही देखिए नंबर सी माइनस 32 प्लस माइनस 25, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये तो मेरा पहले से ही माइनस 32 था, तो माइनस 32 और प्लस माइनस माइनस 25, जब दो नंबर माइनस में आ गया तो क्या होगा, साइन होगा माइनस और हम लोग करेंगे उसका प्लस नंबर का, तो साइन देखिए माइनस का आ गया और हम लोगों ने 32 प्लस 25 कर लिया, आंसर आ गया 57, यानी कि मेरा पूरा आंसर आ गया माइनस 57। ओके नंबर डी देखिए 23 भी प्लस में है 40 भी प्लस में है और हम लोग कर रहे हैं इसका प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया मेरा प्लस और 23 प्लस 40 क्या हो गया मेरा प्लस 63 हो गया। अब आइए दूसरा ट्राई दिस क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए माइनस 7 प्लस प्लस 8, माइनस 7 प्लस प्लस 8, देखिए ये प्लस है और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, देखिए ये प्लस हो गया, तो माइनस 7 यहां था, ये माइनस 7 आ गया प्लस 8, तो ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होता है माइनस और साइन आएगा क्या, साइन आएगा मेरा उस नंबर का जो नंबर मेरा बड़ा हो, तो यहाँ पे 7 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है नंबर 8, इसलिए नंबर 8 का जो साइन है वो आ गया मेरा प्लस और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हम लोग करेंगे क्या माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 8 माइनस 7 क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है मेरा 7 से, तो 8 माइनस 7 करेंगे तो आता है क्या 1 और मेरा साइन क्या आएगा प्लस का, क्यों मेरा 8 नंबर जो बड़ा है उसी का साइन आता है। नंबर बी देखिए माइनस 9 प्लस प्लस 13, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, तो माइनस 9 और प्लस 13 हो गया, तो यहाँ पे 9 और 13 में बड़ा कौन सा है 13, तो 13 का साइन आ गया मेरा प्लस का आ गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस में क्या होता है माइनस, तो हम लोग 13 माइनस 9 करेंगे तो आ गया मेरा 4,
मेरा आंसर आ गया प्लस फोर. देखिए नंबर सी, ये है प्लस सेवन प्लस माइनस टेन. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आ गया माइनस. माइनस के बाद क्या था, टेन, तो आ गया मेरा टेन माइनस टेन. तो प्लस सेवन माइनस टेन, तो मेरा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो साइन क्या आएगा, बड़ा नंबर का जो साइन रहेगा वही साइन आएगा. देखिए यह बड़ा नंबर कौन सा है, टेन. साइन क्या है, टेन का, माइनस. तो आंसर में क्या आ गया, देखिए माइनस. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो हम लोग बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करेंगे, तो टेन माइनस सेवन क्या हो गया मेरा, थ्री. मेरा आंसर आ गया माइनस थ्री. आ गया नंबर डी, देखिए ये है मेरा प्लस ट्वेल्व और प्लस माइनस सेवन. तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस. देखिए प्लस माइनस क्या था, माइनस. प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे हम लोग, लेकिन साइन कौन सा रहेगा मेरा, देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, ट्वेल्व. तो ट्वेल्व का साइन क्या है, प्लस. तो मेरा प्लस साइन सामने आ गया और हम लोग करेंगे क्या, माइनस. तो ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव. तो मेरा आंसर क्या हो गया, प्लस फाइव. नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन. ये वाला एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर्स को एड कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो इंटीजर, एक है मेरा प्लस थ्री और एक है मेरा प्लस फाइव. तो यहाँ पे देखिए प्लस थ्री कहाँ है, देखिए ये है मेरा प्लस थ्री, ठीक है. ये अगर मेरा प्लस थ्री है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस थ्री के साथ हम लोग प्लस फाइव को ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं दो इंटीजर, ठीक है. यहाँ मेरा प्लस थ्री है पहला इंटीजर, प्लस फाइव है दूसरा इंटीजर. यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा मेरा, प्लस. देखिए प्लस आ गया तो मेरा फाइव आ गया यहां से, तो ये प्लस 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 हो गया और मेरा फाइव प्लस थ्री हो गया एट. तो अगर हम लोग प्लस फाइव और प्लस थ्री करेंगे तो आंसर आएगा एट. देखिए ये है मेरा प्लस थ्री, तो प्लस थ्री में अगर हम लोग यहाँ पे देखिए प्लस फाइव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, प्लस एट. देखिए ये प्लस थ्री में हम लोग प्लस फाइव कर दिए तो मेरा आंसर हो गया प्लस एट. हो गया, इससे मेरा एक आंसर निकल गया. इस तरीके से बहुत ही आसान है. वैसे ही देखिए नंबर बी, ये कहता है एक इंटीजर है माइनस थ्री, एक इंटीजर है माइनस फाइव. तो माइनस थ्री और माइनस फाइव को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे बीच में क्या साइन है, प्लस का. तो प्लस और ये माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस. यहाँ पे साइन क्या आ गया, देखिए माइनस का आ गया और ये फाइव यहाँ पे आ गया. अब देखिए ये हो गया माइनस थ्री और ये हो गया माइनस फाइव. हम लोग को पता है ना माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस में होता है प्लस, लेकिन साइन आएगा मेरा माइनस का. देखिए साइन आ गया माइनस का और हम लोगों ने 5 प्लस थ्री कर दिया जो कि 8 हो गया. देखिए माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एट. देखिए माइनस थ्री ये था, ये मेरा माइनस थ्री है. यहां से हम लोग क्या किए, हम लोग किए माइनस फाइव, है ना. माइनस फाइव को हम लोग इसमें प्लस कर दिए, ठीक है. ये हम लोगों ने प्लस कर दिया क्या, माइनस फाइव. तो माइनस थ्री में अगर हम लोग प्लस माइनस फाइव कर देंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, माइनस एट. कैसे, ये था मेरा थ्री, यहाँ से फाइव प्लेसेस जाइए, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये हो गया फाइव. माइनस थ्री में अगर हम लोग फाइव प्लेसेस जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, माइनस एट में, ठीक है. वैसे ही देखिए नंबर सी, ये बोलता है प्लस फाइव और माइनस थ्री को हम लोग प्लस कर दिए, दो इंटीजर है. तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये थ्री यहाँ पे आ गया. तो प्लस फाइव माइनस थ्री, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन आएगा उस नंबर का, उस इंटीजर का जहां पे मेरा नंबर बड़ा हो. तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर फाइव, तो उसका साइन क्या है, प्लस. यहाँ प्लस आ गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो फाइव माइनस थ्री टू, आ गया टू. आंसर आ गया प्लस टू. ओके नंबर डी देखिए, ये है माइनस फाइव, ये है प्लस थ्री. तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस प्लस प्लस. तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस फाइव प्लस थ्री. तो यहाँ पे माइनस और प्लस में क्या होगा मेरा, माइनस. लेकिन साइन आएगा किस नंबर का, जो नंबर बड़ा हो. या कौन सा नंबर बड़ा है, फाइव बड़ा है. यहाँ फाइव का साइन क्या है, माइनस. देखिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन और फाइव माइनस थ्री क्या होता है, टू. माइनस क्यों किए, क्योंकि हमको मालूम है प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे नंबर सी कहाँ पे है, देखिए ये वाला, ये है मेरा प्लस फाइव माइनस थ्री. तो प्लस फाइव के साथ अगर हम लोग माइनस थ्री कर लेंगे, प्लस फाइव है, ठीक है. प्लस फाइव के साथ अगर हम लोग माइनस थ्री को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा देखिए क्या, प्लस टू. इस तरीके से हम लोग पहले आंसर निकाल लेंगे
और उसके बाद हम लोग नंबर लाइन में उसको पुट करेंगे. ओके, पहले नंबर लाइन में पुट करने का कोई जरूरत नहीं है, पहले हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे और फिर उसको नंबर लाइन में पुट करेंगे. देखिए डी का आंसर देखिए, ये है मेरा माइनस फाइव प्लस प्लस थ्री. तो माइनस फाइव कहाँ है देखिए, ये है मेरा माइनस फाइव, ठीक है. और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस थ्री. देखिए कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, माइनस टू में. तो माइनस फाइव में हम लोग क्या किए, प्लस थ्री, तो हम लोग कहाँ पहुंचे देखिए, माइनस टू में, है ना. ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन, ये बोलता है माइनस टू प्लस सिक्स. तो यहाँ पे माइनस टू कहाँ है देखिए, ये है मेरा माइनस टू, ठीक है. तो माइनस टू प्लस सिक्स, तो यहाँ पे माइनस टू प्लस सिक्स करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा देखिए, ये दो नंबर में मेरा बड़ा नंबर कौन सा है, सिक्स. तो सिक्स का साइन क्या है, प्लस का. आंसर आ गया देखिए सामने प्लस. अब ऐसे ही सिक्स माइनस टू करेंगे, क्यों, हमको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो इसलिए सिक्स माइनस टू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फोर. तो यहाँ पे माइनस टू में अगर हम लोग प्लस सिक्स करेंगे तो मेरा आंसर आएगा प्लस फोर. देखिए माइनस टू है, माइनस टू में अगर हम लोग यहाँ पे प्लस सिक्स करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ गया देखिए, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हम लोग, प्लस फोर तक गए ना, देखिए ये प्लस फोर. वैसे ही माइनस सिक्स में प्लस टू करेंगे तो माइनस सिक्स किधर है देखिए, ये है मेरा माइनस सिक्स. माइनस सिक्स में प्लस टू किए तो ये क्या आ गया, माइनस सिक्स प्लस टू. कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, सिक्स बड़ा है. तो सिक्स का साइन क्या है, माइनस का, माइनस आ गया. तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो सिक्स माइनस टू कर दिए, तो सिक्स माइनस टू कर दिए तो क्या होता है, फोर. मेरा आंसर आ गया माइनस फोर, ठीक है. वैसे ही देखिए यहां पर हम लोगों का, हम लोग निकले हैं माइनस सिक्स से और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्लस टू. तो कहां तक पहुंचे हम लोग, हम लोग पहुंचे हैं माइनस फोर तक, है ना. वही मेरा आंसर यहाँ पे आया था. देखिए नंबर टू, ये नंबर टू कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन को यूज किए बिना हम लोगों को कहता है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए. आइए देखते हैं. ये कहता है प्लस सेवन प्लस माइनस इलेवन, ठीक है. तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. हमको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस इलेवन हो गया. अब यहाँ पे क्या है, प्लस सेवन, यहाँ पे माइनस इलेवन. तो यहाँ पे प्लस सेवन माइनस इलेवन का साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. क्यों, क्योंकि इलेवन बड़ा है मेरा, तो माइनस का साइन आ गया. यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस. तो इलेवन माइनस सेवन करेंगे तो क्या आ गया, इलेवन माइनस सेवन करने से फोर आ गया, माइनस फोर आंसर मेरा. देखिए वैसे ही माइनस थर्टीन प्लस प्लस टेन, तो प्लस प्लस हो गया मेरा प्लस, तो माइनस प्लस होगा मेरा माइनस. लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा मेरा माइनस का. क्यों, क्योंकि मेरा थर्टीन बड़ा है और हम लोग ऑपरेशन क्या करेंगे, माइनस. क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए थर्टीन माइनस टेन क्या होता है, थ्री. तो आंसर आ गया मेरा माइनस थ्री. वैसे ही देखिए माइनस सेवन प्लस प्लस नाइन, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या हो गया, ये प्लस, यहाँ पे नाइन था, नाइन आ गया, तो माइनस सेवन आ गया. तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो हम लोग करेंगे क्या, माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे, नंबर मेरा जो बड़ा है वो है नाइन. तो प्लस का साइन सामने आ गया, नाइन का जो साइन था वो प्लस का सामने आ गया. क्या किए हम लोग, नाइन माइनस सेवन, तो क्या आ गया, टू. आंसर क्या आ गया, प्लस टू. बहुत ही आसान है. पहले हम लोग को देखना है कि ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. हम लोग माइनस करेंगे दो नंबर को, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का. क्यों, क्योंकि नंबर जो बड़ा है उसका साइन आएगा सामने. हो गया नंबर डी, ये कहता है प्लस टेन प्लस माइनस फाइव. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ गया, माइनस. अब देखिए प्लस टेन माइनस फाइव, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे माइनस, ठीक है. तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा मेरा प्लस का. क्यों, क्योंकि मेरा टेन बड़ा नंबर है फाइव से, इसलिए बड़ा नंबर का साइन यहाँ पे आएगा. तो प्लस था तो प्लस आ गया, और टेन माइनस फाइव करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है. तो इसलिए टेन माइनस फाइव क्या हो गया, फाइव. आंसर क्या हो गया, प्लस फाइव. बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है. ये जो टेबल है, ये टेबल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है. प्लस 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 होगा, साइन आएगा मेरा प्लस का. प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा मेरा उस नंबर का जो नंबर बड़ा होगा. माइनस प्लस माइनस, साइन आएगा उस नंबर का जो मेरा बड़ा होगा. माइनस माइनस प्लस, और मेरा साइन आएगा माइनस का, ठीक है. इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है. देखिए जहां पे मेरा दोनों इंटीजर मेरा प्लस में होगा वहां पे मेरा साइन प्लस में होगा और हम लोग करेंगे प्लस, ठीक है. जहां पे मेरा दोनों इंटीजर माइनस में होगा
वहां पे हम लोग करेंगे प्लस, साइन रहेगा माइनस, ठीक है। ध्यान से देखिए, जहां पे मेरा दोनों इंटीजर प्लस था वहां भी हम लोग प्लस कर रहे हैं, और जहां पे हम लोग का दोनों इंटीजर माइनस है वहां भी हम लोग प्लस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, साइन का। प्लस प्लस में साइन रहेगा प्लस, माइनस माइनस में साइन रहेगा माइनस, लेकिन दोनों में हम लोग करेंगे प्लस, है ना। और जहां पे देखिए प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी हो, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस, बीच में अगर प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाए तो हम लोग करेंगे क्या, माइनस। और मेरा साइन कौन सा रहेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा वो नंबर का साइन वहां पे रहेगा। बहुत ही आसान है, ऐसे याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए, नंबर्स सच एज प्लस फाइव माइनस फाइव, प्लस सेवन माइनस सेवन, प्लस थ्री माइनस थ्री आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स एज व्हेन एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज जीरो, ओके। देखिए, दो नंबर या दो इंटीजर्स को हम एडिटिव इनवर्स तभी कहेंगे जब उन दो इंटीजर्स को एड करने के बाद मेरा जो आंसर है वो जीरो आ जाए, ठीक है। तो सिक्स के साथ अगर हम लोग प्लस माइनस सिक्स करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो। देखिए कैसे, ये हो गया मेरा सिक्स और यहां पे मैंने प्लस किया, क्या प्लस किया, माइनस सिक्स को, ठीक है। तो सिक्स को ऑपोजिट क्या होता है, माइनस सिक्स, तो यहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स माइनस सिक्स करके जीरो। तो ऐसा दो नंबर जिसको हम लोग अगर एड करेंगे तो मेरा आंसर जीरो आएगा, तो वो दो नंबर हो जाएगा मेरा एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब कोई भी नंबर, जो नंबर हो और वो उसका ऑपोजिट नंबर ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे फाइव का हो गया माइनस फाइव, सेवन का हो गया माइनस सेवन, थ्री का हो गया माइनस थ्री, वैसे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा मेरा उसका ऑपोजिट नंबर। जैसे 74, तो 74 का मेरा एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर होगा, माइनस 74। बहुत आसान है, देखिए, है ना। वैसे ही देखिए 241, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 241, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। बस चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एग्जांपल थ्री बोलता है यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करके क्या करना है, राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन माइनस 1। आइए, ये है मेरा नंबर लाइन, मैंने यहां बना लिया है, ये है बीच में 0 और यहां पे 1 2 3 4 5, और लेफ्ट में मेरा 1 2 3 4 5 माइनस में, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है 4 मोर देन माइनस 1, यानी कि माइनस 1 में मोर, यानी कि प्लस, माइनस 1 में ये हो गया मोर कितना, 4, तो माइनस 1 में हम लोग 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस 1 में देखिए हम लोगों ने क्या किया, प्लस 4 किया, 4 मोर देन माइनस 1, तो माइनस 1 से 4 ज्यादा, तो माइनस 1 से हम लोग 4 ज्यादा कर लिए, प्लस 4 कर लिए, तो क्या हो गया, हम लोगों को पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा मेरा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, तो 4 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है, प्लस, आ गया प्लस, और 4 माइनस 1 क्या होता है, 3, तो यहां पे आ गया मेरा 3, ठीक है। आंसर क्या हो गया, प्लस 3 हो गया। अब देखिए, यहां पे था क्या मेरा माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 में हम लोगों ने क्या किया, प्लस 4, माइनस 1 में प्लस 4 करने से क्या आंसर आया मेरा, प्लस 3। तो यहां पे हम लोगों ने ऐसा लाइन बना दिया, माइनस 1 में हम लोग अगर प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 हो गया। वैसे ही नंबर बी, 5 लेस देन 3, तो 5 कहां है, देखिए ये है मेरा 5, ठीक है, 5 लेस देन 3, तो 3 से मेरा 5 लेस, ठीक है, तो ये हो गया 3, तो 3 से मेरा क्या करेंगे, 5 करेंगे क्या, लेस, ठीक है, ये यानी कि माइनस, तो 3 के सामने क्या है, कुछ नहीं, यानी कि ये हो गया मेरा प्लस, तो ये मेरा बन गया प्लस 3 और माइनस 5। क्या कहता है, 5 लेस देन 3, यानी कि 3 से मेरा 5 कम, कम मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए 3 से मेरा 5 कम, यानी कि माइनस 5। देखिए क्या हुआ, प्लस 3 माइनस 5, तो पता है ना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
प्लस माइनस होगा मेरा माइनस और साइन कौन सा आएगा, दोनों में बड़ा कौन है 5, तो मेरा माइनस का साइन आएगा। देखिए माइनस का साइन आ गया सामने और मेरा 5 माइनस 3 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो माइनस 2 आ गया मेरा आंसर माइनस 2। अब देखिए नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है सबसे पहले मेरा 3 माइनस 5, तो 3 कहाँ है देखिए ये है मेरा 3, तो 3 में अगर हम लोग माइनस 5 करेंगे तो मेरा क्या आंसर आया था माइनस 2, तो 3 से लेके माइनस 2 तक पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है 3 से लेके माइनस 2 तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 से हम लोग क्या किए माइनस 5 किए, है ना 3 में माइनस 5 किए तो मेरा आंसर क्या आ गया माइनस 2। वैसे ही देखिए 3 से हम लोग यहाँ पे माइनस 5 किए, है ना आंसर आया माइनस 2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये कहता है फाइंड द सम ऑफ ये नंबर का, तो माइनस 9 प्लस प्लस 4 प्लस माइनस 6 प्लस प्लस 3, इसका हमको सम करने के लिए बोल रहा है। आइए देखते हैं, ये मेरा नंबर है ठीक है बहुत ही आसान है, देखिए ये मेरा माइनस 9 है तो माइनस 9 आ गया, ये क्या है मेरा प्लस प्लस क्या होता है प्लस 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 आ गया प्लस, ये हो गया 4। वैसे ही ये देखिए ये क्या है प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आ गया माइनस 6 हो गया, ये क्या है प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ये प्लस के बाद क्या है 3, ये आ गया 3। अब नेक्स्ट क्या आ गया देखिए मेरा, ये मेरा हो गया माइनस 9 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है अब देखिए यहाँ पे मेरा माइनस वाला कौन सा नंबर है, माइनस वाला नंबर है मेरा माइनस 9 और माइनस 6, तो हम लोग को पता है ना जो नंबर मेरा माइनस में होता है देखिए माइनस 9 और माइनस 6, तो ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, लेकिन साइन आएगा मेरा माइनस में, है ना तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 9 प्लस 6 हो गया 15, 9 प्लस 6 होता है 15, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस में आएगा, इसलिए देखिए माइनस 9 और माइनस 6 को एक साथ ऐड कर लिए तो क्या हो गया मेरा माइनस 15, और कौन सा नंबर बच गया यहाँ बच गया प्लस 4 और प्लस 3, देखिए प्लस 4 और यहाँ पे प्लस 3 इन दोनों को ऐड कर लीजिए क्या आ गया 4 प्लस 3 क्या होता है 7, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, साइन भी रहेगा प्लस, तो आ गया प्लस 7, देखिए तो माइनस 15 आ गया अब आ गया प्लस 7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब देखिए, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हम लोग पढ़े हैं माइनस प्लस होता है माइनस, और साइन कौन सा रहेगा जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन रहेगा, देखिए 15 और 7 में बड़ा कौन है 15, तो यहाँ पे 15 का साइन क्या है माइनस, तो आंसर में क्या आया माइनस, ठीक है और हम लोग करेंगे क्या 15 और 7 को हम लोग करेंगे माइनस, क्यों क्योंकि हमको पता है माइनस प्लस में होता है माइनस, तो 15 माइनस 7 क्या होगा मेरा आंसर 8, तो साइन आ गया मेरा 15 का और दोनों को माइनस किए तो आंसर आ गया 8, तो मेरा आंसर क्या हुआ टोटल माइनस 8 हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए नंबर 5, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 63 प्लस प्लस 55, आइए देखते हैं ठीक है, ये नंबर मैंने लिख लिया यहाँ पे 30 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 63 प्लस प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे 30 के सामने कुछ नहीं है यानी कि ये प्लस है ठीक है, जिस भी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं रहेगा तो हम लोग उसको प्लस ले लेंगे ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको हम लोग प्लस समझ लेंगे ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 के सामने कुछ नहीं था तो हम लोगों ने इसको प्लस 30 समझ लिया, वैसे ही देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस क्या होगा माइनस आ गया माइनस 23 आ गया, अब ये प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस होगा माइनस तो आ गया 63, अब ये क्या है प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस आ गया 55। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेरा 30 प्लस में है और 55 प्लस में है ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 30 और ये प्लस 55 है ना, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस और ये 5 प्लस 3 ये हो गया मेरा 85, तो क्या हो गया मेरा प्लस 85, देखिए आ गया मेरा प्लस 85, बहुत ही आसान है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे मेरे पास है माइनस 23 और यहाँ पे है मेरा माइनस 63, तो माइनस 23 और माइनस 63 को हम लोग कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया मेरा माइनस 23 और ये हो गया मेरा माइनस 63, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस में, तो मेरा साइन आ गया माइनस में और प्लस करते हैं इन दोनों को क्या आएगा देखिए 6 प्लस 2 हो गया 8 और 3 प्लस 3 हो गया मेरा 6,
तो मेरा आंसर आ गया -86. देखिए आ गया मेरा -86, यहाँ पे है 85 प्लस में, यहाँ पे है 86 माइनस में. तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हमको पता है, प्लस माइनस होता है माइनस. तो इन दोनों नंबर को हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा. बड़ा कौन सा है मेरा, यहाँ पे 86, उसका साइन क्या है, माइनस. मेरा साइन आ गया माइनस, और 86 माइनस 85 क्या होता है, 1. तो आ गया मेरा 1. तो मेरा टोटल आंसर क्या आ गया, -1. देखिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. एग्जांपल 6 कहता है फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड -15. इन सारे इंटीजर्स को हमको सम करना है, यानी कि ऐड करना है. आइए देखें, यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है -10 प्लस +92 प्लस 84 प्लस -15. ठीक है, यहाँ पे देखिए -10 लिख लिया मैंने, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस आ गया प्लस 92, फिर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस आ गया प्लस 84, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ गया -15. तो अब देखिए यहाँ पे मेरा माइनस कौन कौन सा है, यहाँ है मेरा -10 और यहाँ पे है मेरा -15, है ना. तो यहाँ पे मेरा -10 -15, तो माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, ये साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25. याद रखिए दो माइनस है तो क्या होगा, मेरा साइन आएगा माइनस का, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, प्लस हो गया. तो ये क्या हो गया -25. देखिए आ गया -25, यहाँ पे प्लस वाला क्या है, प्लस 92 प्लस 84. तो यहाँ प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, प्लस प्लस हो गया प्लस इन दो नंबर्स का, है ना. और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिए, 4 प्लस 2 हो गया 6 और 8 प्लस 9 हो गया मेरा 17. तो क्या हो गया मेरा, प्लस 176. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस है और माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, साइन रहेगा बड़ा नंबर का. यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 176 बड़ा है मेरा 25 से, तो 176 का साइन क्या है, प्लस में. यहाँ देखिए मैंने प्लस लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या साइन आया, प्लस का. क्या करेंगे हम लोग, माइनस, तो 176 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 151. तो मेरा आंसर में आ गया प्लस 151. बहुत ही आसान है, बस आराम से आपको प्लस माइनस देखना है. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स.